संतान की लंबी उम्र के लिए आज माताओं ने कमर छटका व्रत रखा। सगरी बनाकर माताओं ने सामूहिक रूप से पूजा अर्चना संपन्न की। 6 तरह की भाजियां, पसहर चावल, काशी के फूल, महुआ के पत्ते, धान की लाई, भैंस का दूध, दही और घी सहित पूजा की कई छोटी बड़ी पूजन की सामग्री भगवान शिव को अर्पित कर संतान के दीर्घायु जीवन की कामना की गई। छत्तीसगढ़ के प्रमुख त्योहारों में से एक कमर छठ को हल छठ या हल षष्ठी भी कहा जाता है। बिहार के छठ की तर्ज पर इस व्रत को करने वाली माताएं निर्जला उपवास रहकर शिव पार्वती की पूजा करती हैं। सगरी बनाकर सारी रस्में निभाई जाती हैं। इस मौके पर कमर छठ की कहानी सुनकर शाम को डूबते सूर्य को अर्घ देने के बाद अपना व्रत महिलाएं खोलती हैं। कमर छठ की पूजा के लिए महिलाओं ने मिलकर प्रतीक स्वरूप सरगी को सजाकर वहां महादेव व पार्वती की पूजा की। दिन भर निर्जला उपवास रहकर शाम को सूर्य डूबने के बाद व्रत खोलेंगी। भिलाई 3 स्थित दक्षिण वसुंधरा नगर की महिलाओं ने बताया कि यह व्रत संतान प्राप्ति के लिए भी किया जाता है। बिहार में जिस तरह छठ मैया की पूजा होती है, ठीक उसी तरह छत्तीसगढ़ में कमर छठ का महत्व है, जो संतान प्राप्ति और संतान की लंबी उम्र के लिए किया जाता है। इस व्रत में 6 तरह की ऐसी भाजियों का उपयोग किया जाता है जिसमें हल का उपयोग ना किया हो, जिसमें चरोटा भाजी, खट्टा भाजी, चेंज भाजी, मुनगा भाजी, कुमड़ा भाजी, लाल भाजी, चौलाई भाजी आदि शामिल होते हैं। षष्ठी माता की, हमारे दक्षिण वसुंधरा नगर के सभी माताएं आज हलकष्ठी माता का व्रत प्रायण किए, सभी एक जगह एकत्रित होकर के हमारे इस मोहल्ले के महिलाएं जितने भी माताएं हैं, बहुत ही सुंदर तरीका से माता हलकष्ठी का पूजा अर्चना, अपने पुत्र संतान की दीर्घ आयु, संतानहीन को संतान प्राप्ति के लिए और अपने पुत्र पुत्री का सुख समृद्धि और दीर्घ आयु के लिए बड़ा सुंदर रूप से उपवास का पूजा अर्चना किए। सर्वप्रथम हाथ में पसर का चावल फूल लेकर के भगवान श्री गणेश जी का वंदन किए। वंदन करने के बाद माता हलकष्ठी का संकल्प लिए। संकल्प करने के बाद सुंदर दूध दही से भगवान शिव जी को स्नान कराए। स्नान कराने के उपरांत पंडित जी के द्वारा सुंदर 6 प्रकार का कहानी सुने, जिस कहानी में श्री नारद जी ने माता देवकी को सुनाए थे, उसी कहानी का वृतांत आज सभी माताओं को बताए गए कि जिस माता का पूजा करने से संतान दीर्घायु होते हैं और मनोकामना के पूर्ण होते हैं। इसी प्रकार से 6 कहानी सुनने के उपरांत सुंदर सागर में 6 लोटा जल भर करके भगवान श्री शंकर जी का आरती किए। आरती करने के बाद भगवान शंकर और सागर का परिक्रमा किए। परिक्रमा करने के बाद ब्राह्मण को दक्षिणा दिए। दक्षिणा देने के बाद सुंदर आशीष लेकर के माता का चिरायु, जिसको हम लोग पोती बोलते हैं, वो पोती का माता हलकष्टी से आशीर्वाद लिए। उस सागर के जल से, सागर के मिट्टी से डुबो करके अपने पुत्र पुत्री की रक्षा के लिए, जिनको हम लोग पोता बोलते हैं, वो पोता ले जा करके अभी सुंदर अपने पुत्र पुत्री को आशीर्वाद देंगे। माता हलकष्टी की तरफ से आशीर्वाद प्रदान करेंगे। इसी प्रकार से बहुत ही उत्साह के साथ हमारे धर्म संस्कृति में माता देवकी के द्वारा किए हुए हलकष्टी माता के व्रत को आज हमारे मोहल्ले के सभी माताएं व्रत धारण किए, सुंदर तरीका से पूजा अर्चना किए और दान दक्षिणा दे करके प्रसाद वितरण करके सुंदर हर्षोल्लास के साथ पूजा अर्चना मना करके अपने अपने घर गए। प्रेम से माता, आज हलकष्टी व्रत है, उनकी पूजा सर्वप्रथम कृष्ण भगवान की माता जो है देवकी और वसुदेव ने किया था, क्योंकि उनके 7 पुत्र तो कंस द्वारा मारे गए थे और 8वें पुत्र के लिए है ना, उन्होंने व्रत किया और उन्हीं का प्रभाव है जो कृष्ण भगवान को कारागार से भी सुरक्षित, वही हलकष्टी माता है और जिनके प्रभाव से कृष्ण भगवान जीवित हैं संसार को अपने प्रभाव दिखाने के लिए। और उसके बाद जो है हलकष्टी का व्रत, सभी माताएं सुंदर पसहर का चाउर और बिना हल किए हुए सब्जी और दूध दही भैंस का
खा करके निराहार व्रत और उसके बाद पूजा अर्चना करने के बाद इस व्रत को तोड़ते हैं और उसके बाद सुंदर अपने अपने घर में जा करके सुंदर अपनी मनोकामना पूर्ण करते हुए फलाहार करते हैं। इनकी कईयों कहानी है कि कईयों कहानी है, एक तो वही नाग नागिन की कहानी, उसकी जो है ननन जो है उसके भिमभोरा को फोड़ डाली थी, 6 बच्चे उनके सभी मारे गए थे और इसी संत ने ऐसे बताया और इसी हलषष्ठी का व्रत हो रहा था उसी में जा कर के उन्होंने पूजा अर्चना की, नांग नांगिन को महुआ का उसका चुकिया में दे करके लाई दे करके प्रसन्न किए और नांग देव और नांगिन जो है प्रसन्न होकर के उनकी भाभी के 6 पुत्रों को जीवित किया और यही है हलषष्ठी व्रत का प्रभाव। इसी के दिन जो है बलराम जी का जन्म हुआ था, उसके कारण भी कार्तिकेय का जन्म हुआ था, सीता मैया का भी जन्म हुई थी और इसी का प्रभाव है जो आज हलषष्ठी व्रत सभी माताएं करती हैं, अपनी मनोकामना पूर्ण करती हैं। सदियों पुरानी परंपरा है कि हलषष्ठी देवी को धरती का स्वरूप माना जाता है, इसलिए इस दिन हल चले जमीन पर माताएं नहीं चलती और हल से जोती हुई जमीन से उपार्जित अन्न का उपयोग नहीं करती, इसलिए ऐसी सामग्री जो स्वमेव ही पैदा हुई होती है उसकी मांग इन दिनों बढ़ जाती है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई 3 चरोदा से शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट।